के थ्रू मेरे बायोमेट्रिक को यूआईडी से ऑथेंटिकेट करके मेरे बैंक से पैसा निकाल रहा है, पैसा डाल रहा है और मेरे एजेंट की लिमिट से पैसा कम कर रहा है। मेरी एजेंट की जो लिमिट है वो 222 रुपए से कम हो गई और मेरे कस्टमर की जो लिमिट है, ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और ये इसमें दो कॉपी आई है, एक ये कस्टमर की कॉपी आई है। उसके बाद मर्चेंट को भी हिसाब रखना है तो उसके लिए मर्चेंट की भी कॉपी निकलेगी। मेरे पास SMS आ गया, 222 रुपए इस बैंक में जमा हो गए, ये मेरे, तो इस तरह से कैश इन मैंने कर दिया। इसी तरह से मैं कैश आउट भी कर सकता हूँ। अब आपको बताते हैं कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हुआ। असल में आधार कार्ड में आपकी पूरी डिटेल दर्ज है, आपके अंगूठे का भी निशान उसमें शामिल है, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, आपने दुकानदार के पास रखी मशीन पर अंगूठा लगाया, अंगूठा आधार कार्ड से मैच हुआ और इसके बाद आपके खाते से पेमेंट हो गया। ये कैशलेस की तरफ बढ़ने वाला सबसे क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त देश में 108 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS चलन में आते ही बहुत सारे झंझट एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। बैंकों पर भी काम का दबाव कम होगा, ATM मशीनों पर भी लोगों की निर्भरता घटेगी, लेकिन इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम फायदे भी हैं। इसके जरिए आप अपने खाते का बैलेंस पता कर सकते हैं, आधार से आधार कार्ड में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पे कर सकते हैं, दुकान पर पेमेंट भी करें। आधार कार्ड से जुड़ी इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड, पिन और पासवर्ड की प्रक्रिया से बच जाएंगे। पैसा उपभोक्ता के बैंक अकाउंट से कारोबारी या दुकानदार के अकाउंट में सीधे चला जाएगा। आधार कार्ड में जो आपकी बायोमेट्रिक जानकारी है वो बड़े काम आएगी। अब इसने कैप्चर कर लिया तो मैं अपने एक्सिस बैंक में डालना चाहता हूँ। ये बैंक सेलेक्ट हो रहा है, बैंक अगर सेलेक्ट हो गया उसके बाद देखते हैं। 500 अमाउंट आ गया, 500 अमाउंट। अब ये पूरा कंफर्मेशन स्क्रीन आ रहा है, क्योंकि आपका आधार से लिंक है सब कुछ, इसलिए सारी डिटेल आ गई। मतलब आपका बैंक अकाउंट मैंने नहीं डिफाइन किया, बैंक अकाउंट डिफाइन, एक्सिस बैंक और अपना आधार नंबर डाला है और अब मैं इसको ऑन करता हूँ, क्योंकि ये लिंक है ऑलरेडी बैंक अकाउंट। जी हाँ जी हाँ, इसलिए बैंक अकाउंट नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, और ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन। अब ये स्लिप जो है, स्लिप बताएगी आपको कि आपने का पैसा कहां जमा हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पैसा जमा हो गया, भी आ गया और ये बैलेंस भी आ गया, आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की बड़ी पहल आपसी डिजिटल लेन देन में भी आधार नंबर को जोड़ने की है। इसके लिए सरकार, बैंक और मोबाइल सेट बनाने वाली कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। इसमें सरकार जल्द से जल्द आधार एनेबल्ड पेमेंट के लिए ऐप बनाने की कोशिश कर रही है। बैंक आधार से जुड़े डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बना रहे हैं और मोबाइल कंपनियां नए मोबाइल सेटों में फिंगरप्रिंट या आईरिस की पहचान करने वाला इनबिल्ट सिस्टम बनाने पर विचार कर रहे हैं। मोदी सरकार ने साल भर के अंदर देश में आधार नंबर से लेन देन शुरू करने का टारगेट दिया है। आइए जानते हैं कि क्या होगा ये सिस्टम, कैसे काम करेगा आधार नंबर। देश भर में लोगों का यूनिक पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड जारी करने वाले UADAI के पास लोगों के बायोमेट्रिक्स यानी आपकी पुतली और अंगूठे की पहचान का डेटा मौजूद है। इसी के इस्तेमाल से अब डिजिटल लेन देन की मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें लेन देन करने वालों का आधार नंबर जरूरी है। बैंक खाते में आधार नंबर दर्ज होना चाहिए, भुगतान करने वाले के पास एंड्रॉइड फोन जरूरी, फिंगरप्रिंट या आयरिस पहचानने वाला ऐप जरूरी, फिंगरप्रिंट या आयरिस के जरिए पेमेंट होगा। केंद्र सरकार की नीति आयोग की देखरेख में शुरू हुए इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 8 नवंबर से पहले जहां रोज 4-5 लाख लोग आधार कार्ड बनवा रहे थे, वहीं अब करीब 7 लाख लोग रोज आधार कार्ड बनवा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर पर नाम दर्ज कराने वाले दुकानदारों को 100 रुपए का इंसेंटिव भी दे रही है। डिजिटल लेन देन में आधार नंबर का सिस्टम शुरू करने के लिए सरकारी कोशिशें जोरों पर हैं। आंध्र प्रदेश में उचित कीमत की दुकानों में आधार नंबर आधारित सिस्टम लागू कर राशन बांटने की योजना सफल रही है। ऐसे में
बैंकिंग लेन देन में भी आधार सिस्टम लागू करने के लिए सीएम चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हो चुकी है। सरकार जल्द से जल्द डिजिटल लेन देन को आधार से जोड़ने वाली है। ऐसे में सिस्टम के लागू होने से लोगों को कई फायदे हैं। मसलन डिजिटल लेन देन में आधार नंबर लागू करने से लोगों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेकर चलने से छुटकारा मिलेगा, साथ ही कार्ड के पिन याद रखने के झंझट से भी राहत मिलेगी। कार्ड गुम होने और ब्लॉक होने का खतरा भी खत्म होगा और बैंकों को कार्ड बनाने में लगने वाला खर्च भी कम होगा। हालांकि अभी देश में आधार नंबर वाला सिस्टम शुरू होने में देर है, क्योंकि सिर्फ एक निजी बैंक के एटीएम में ही ये सुविधा फिलहाल मौजूद है। आधार नंबर से सभी तरह के डिजिटल लेन देन चालू करने के लिए खास मोबाइल ऐप की जरूरत है, जो अभी तैयार नहीं है। वैसे सिस्टम के कुछ नुकसान भी नजर आ रहे हैं, जैसे लोगों को प्लास्टिक कार्ड तो नहीं रखना होगा, लेकिन आधार कार्ड या उसका नंबर याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा लेन देन करने वाले मौके पर मौजूद रहना जरूरी होगा। करोड़ों लोगों के बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित और इस्तेमाल लायक बनाए रखना भी चुनौती है। बहरहाल अगर डिजिटल लेन देन में अगर आधार नंबर का सिस्टम शुरू हो जाता है तो लोगों को अलग अलग तरह के विकल्पों के लिए अलग इंतजाम रखने से छुटकारा मिलेगा। साथ ही कैशलेस इकोनॉमी बनाने की मुहिम में सरकार आम आदमी को भी आसानी से जोड़ सकेगी।